नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करना बहुत 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 आसान बनाते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्ट करना हुआ बहुत आसान, ऐसे रखते हैं, ठीक है। जब भी स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्टेशन की बात आती है तो हमें ऐसे हो जाता है कि वाओ, हम अपने स्पेसिफिक पर्सन को सिर्फ मैनिफेस्ट करके अपनी लाइफ में लेकर के आ सकते हैं। बहुत अच्छी बात है ना, सुन के भी अच्छा लगता है, बोल के भी अच्छा लगता है, फील करके भी अच्छा लगता है। लेकिन जैसे ही मैनिफेस्टेशन पर उतरते हैं तो हम किस चीज के साथ में उतरते हैं, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लगाते ही डायरेक्टली स्पेसिफिक पर्सन के ऊपर है, बजाय ये समझे कि हमें एनर्जी ठीक करनी होगी, डेस्पिरेशन निकालना होगा, नेगेटिविटी निकालनी होगी, सोचने के तरीके को बदलना होगा, मिस करने के तरीके को इवन बदलना होगा, एंड देन हमें मैनिफेस्टेशन के रास्ते पे सही तरीके से चलना आ जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि हम अपने स्पेसिफिक पर्सन को आसानी से ऐसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कॉमेंट्स आते हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है, अब दुख तो होगा ना, पार्टनर नहीं है तो बात नहीं कर रही, तो बात नहीं कर रहा, तो ब्लॉक कर दिया, तो दुख तो होगा ना, तकलीफ में तो याद करेंगे ना। फिर आप एक काम करिए, मैनिफेस्टेशन का नाम हटा करके आपको जो एक्शन लेना है आप लीजिए। आप अगर मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, आप अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, तो फिर आपको एनर्जी समझनी होगी, तो फिर आपको ये चीज समझनी होगी कि एक्चुअली मैनिफेस्टेशन कैसे काम करता है। आप सिर्फ और सिर्फ वो एक्शन लेकर के और डेस्पेरेट होते हुए, नेगेटिविटी के साथ में परेशान होते हुए, उस इंसान को चेस करते हुए मैनिफेस्ट करेंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ फेलियर हाथ लगेगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको ही, आपकी पूरी एनर्जी वेस्ट, आपका टाइम वेस्ट, आपका हर चीज वेस्ट वेस्ट वेस्ट। और एक टाइम के बाद में जब वो इंसान आपकी लाइफ में नहीं आएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ योर एनर्जी, डाउट्स, इनसिक्योरिटीज, आपका उसको चेज करते रहना, आपका खुद ही परेशान होना, देन फिर आप ये बोलेंगे, मैं उस तरीके के कॉमेंट्स करने वालों को, और वो एक हिस्सा है जिनको ये लगता है कि वो ऐसे करके नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर वो कुछ भी करके करेंगे। तो फिर आप जो मर्जी आए एक्शन लीजिए, क्योंकि आप फाइनली अगर मैनिफेस्टेशन का नाम लगा करके करेंगे ना, तो जो दूसरे सारे एरिया में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम कर रहा है, राइट, तो फिर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में फाइनली ये बोलने वाले हैं, ये काम ही नहीं करता यार, ये फेक है, ये व्यूज के लिए होता है, बस ये लोग व्यूज कमाते हैं। अरे यार, मत करो ना फॉलो, मत करो, फिर आप वही एक्शन लो जो आपको लेने हैं। लेकिन अगर मैनिफेस्टेशन पे आ रहे हो ना, तो फिर आसानी से समझना उसको, ठीक है। स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्टेशन के ऊपर सोच रही हूँ कि एक छोटी सी सीरीज बनाऊं, ताकि आप लोगों को हेल्प हो जाए, ठीक है। कैसा है आइडिया मुझे बताना, कमेंट्स चेक करूंगी तो पता चल जाएगा कि आप इंटरेस्टेड हो, तो उस हिसाब से हम सीरीज करेंगे, ठीक है। डेस्पिरेशन को आपको हटाना चाहिए, अपनी नेगेटिविटी को हटाना चाहिए, इनसिक्योरिटी को हटाना चाहिए। क्यों है आप इनसिक्योर, क्यों है आपको डाउट्स, क्योंकि आप क्लियर नहीं है, है ना। आप डेस्पिरेट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं विश्वास में कमजोर पड़ रहे हैं। आपको ऐसे लगता है कि वो एनर्जी बहुत हाई है, वो इंसान कहीं आपसे दूर 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 भाग रहा है। सो बेसिकली आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसका दूर भागना, क्योंकि आपके थॉट्स ही वैसे चल रहे हैं। तो फिर अलाइनमेंट होगा कैसे, आपको उन सारी चीजों से अलाइनमेंट तभी बैठ पाएगा जब आप अपने डेस्पिरेशन को हटाएंगे, नेगेटिविटी को हटाएंगे, इनसिक्योरिटी को हटाएंगे, परेशान होने को हटाएंगे, माइंड को पूरी तरीके से मेडिटेट करते हुए शांत करने की कोशिश करेंगे, मेडिटेशन नहीं भी होता है तो डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपका माइंड ज्यादा से ज्यादा शांत हो। फिर आप जब वो एक थॉट को प्लांट करते हैं, तो फिर आपका मैनिफेस्टेशन जो होता है वो प्लांट हो जाता है, एंड देन आपकी लाइफ में आपकी 3D रियलिटी बनकर के वो आपके सामने आता है। ये तभी होगा जब आप सही तरीके से उसको प्लांट करना सीखेंगे, और सही तरीके से प्लांट करना बहुत आसान है। माइंड शांत करना, इनसिक्योरिटी को दूर रखना, ये समझिए कि आप दोनों सेम टू सेम एनर्जी हैं। वो जो इंसान है वो भी सेम टू सेम आपकी ही एनर्जी जैसा है, लेकिन आपकी इतना नेगेटिव जाते हुए, अपने आप को पूरी तरीके से डाउन करते हुए, अब आपको ये लग रहा है कि वो एनर्जी आप में या तो इंटरेस्टेड नहीं है, या आपसे वो दूर भाग रही है, या फिर किसी भी वजह को देकर के आप अलग होने का या ब्रेकअप का या इस तरीके की चीजों का सामना कर रहे हैं। तो वहां पर जस्ट चेक योर एनर्जी, जस्ट चेक योर सेल्फ, चेक योर थॉट्स,
पहला ना जो काम होता है ना, आपके विचारों पर ही आपको चेक करना होता है, आपको आपकी फीलिंग्स के ऊपर ही चेक करना होता है। ये सारी चीजों को हटा करके अगर सिर्फ और सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्टेशन पे आप डालेंगे ना, तो फिर आपको दिक्कत आ जाएगी। उसको अपना लाइफ स्टाइल बनाने की जरूरत होती है, अपने आपको पॉजिटिविटी के अंदर डालने की जरूरत होती है। छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना शुरू कीजिए, और रिश्तों के बारे में अच्छा सोचना शुरू कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में लोगों के साथ में अच्छी ट्यूनिंग बनाने की कोशिश कीजिए। इस चीज का प्रभाव आपके डायरेक्टली स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्टेशन पे पड़ता है। नहीं तो क्या होता है, वो तो जो दूर जा ही रहा है, बाकी सारे एरिया भी खराब होते हैं। ऐसे काम करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर आप अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं ना, पहली चीज डेस्पेरेशन पूरी तरह से हटा दें, नेगेटिविटी पूरी तरह से हटा दें, इनसिक्योरिटी पूरी तरीके से हटा दें, और ग्रैटिट्यूड जितना ज्यादा आप दे सके उतना ज्यादा दें। जितना ज्यादा अपने और एरिया में जो रिश्ते हैं उनको अच्छे बनाने की कोशिशें आप जो एक्शन के थ्रू भी ले सकते हैं वो लें, और जितना ज्यादा आप उस इंसान के लिए पॉजिटिव सोच सकते हैं, पॉजिटिव बोल सकते हैं, पॉजिटिव अफर्मेशन दे सकते हैं वो दें, डेस्परेट हुए बिना। जब आपको लगे कि आप बहुत ज्यादा डेस्परेट हो रहे हैं, तो मैं यहां यही कहूंगी, रुक जाइए, दूसरे एरिया पे मैनिफेस्ट करना शुरू कीजिए, क्योंकि डेस्परेशन आपके सारे किए कराए पे पानी फेर देगा। बेटर होगा कि डेस्परेशन तक जाते जाते आपको लग रहा है कि मैंने बहुत कर लिया है, अब मैं डेस्परेट हो गई हूं, रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, देन स्टॉप। बहुत सारे आपके लाइफ में और भी चीजें होंगी ना, उसके ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। इसे पूरी तरीके से हटाइए लाइफ में से, लेट गो कीजिए, एंड देन आप देखेंगे कि आपके स्पेसिफिक पर्सन आपकी लाइफ में कितनी तेजी से मैनिफेस्ट हो रहे हैं। तो बहुत आसान है, सीरियसली बहुत आसान है इसको मैनिफेस्ट करना, बहुत ज्यादा आसान है अपनी एनर्जी उस एनर्जी तक पहुंचाना। लेकिन वो तभी आप पहुंचा सकते हैं जब आप ये सारी नेगेटिविटी को हटाएंगे, एंड देन वो एक थॉट को प्लांट करेंगे जो आपके स्पेसिफिक पर्सन से आपको जोड़ती है। देन आप नोटिस करेंगे कि कितनी तेजी से आप अपने स्पेसिफिक पर्सन को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यस, ये बहुत 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 आसान है, लेकिन वो इतना ही मुश्किल सिर्फ इसलिए हो गया है क्योंकि हम सब कुछ करते हैं, लेकिन उन सारी चीजों को साथ में रखते हुए हम उसे चेज भी करेंगे, हम नेगेटिव भी होंगे, हम डेस्परेट भी होंगे, परेशान भी होंगे, हम दुखी भी होंगे, हो नहीं रहा रिजल्ट भी देखेंगे, आउटकम के साथ चिपके भी रहेंगे, हम ये सब भी करेंगे और हम मैनिफेस्ट भी करेंगे। तो फिर ना ये मीठा बनेगा, ना ये नमकीन बनेगा, ये खराब ही हो जाएगा। तो ऐसे नहीं करिए आप। अगर आप उसको मैनिफेस्टेशन का नाम दे रहे हैं, तो फिर प्रॉपर वे में आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कीजिए, प्रॉपर वे में उसको अपनी लाइफस्टाइल बनाइए, प्रॉपर वे में अपनी जिंदगी को जीना शुरू कीजिए उसी चीज को लगाते हुए, एंड देन बीच में आप इन सारी चीजों को जो नेगेटिव है उनको हटाते हुए सिर्फ पॉजिटिविटी का साथ देते हुए, ग्रैटिट्यूड का साथ देते हुए, और मैनिफेस्टेशन के लिए अफर्मेशंस, टेक्निक्स, राइटिंग मेथड, इन सारी चीजों को जो कि आपके सबकॉन्शियस को इजी प्रोग्राम कर सकते हैं करिए। जहां लग रहा है कि डेस्परेट हो रहे हैं, रुक जाइए, दूसरे एरिया पे काम करने लगिए, एंड देन फिर आपको मिलेंगे कमाल के रिजल्ट्स। यस, ये बहुत आसान है, पर अगर आप सही तरीके से समझ के करते हैं तो। अदरवाइज आप वैसे ही कर रहे हैं तो मैं कहूंगी कि मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सारी चीजों को हटाइए, आपको जो जैसे एक्शन लेना है वैसे लीजिए, पर उसको फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम देके, मैनिफेस्टेशन का नाम देके, किस्मत के भरोसे का नाम दे करके मत करिए, क्योंकि ज्यादातर लोग ये कर रहे हैं और फिर वो भी कर रहे हैं और फिर फाइनली ठीकरा फोड़ देते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। फिर आपको प्रॉपर वे में फिर उसको समझने की जरूरत है, एंड देन फॉलो कीजिए आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। अपने अपने रखिए ख्याल, अपने अपने से कीजिए ढेर सारा प्यार, था कि अट्रैक्ट करिए ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल, टाटा।